सरकार तीन तलाक को लेकर भले ही कितना कानून क्यों न बना ले, लेकिन तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में आज टीकर माफी पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में तीन तलाक का मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर एक पति ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तीन तलाक दे दिया है। पीड़िता ने अपने पति, ननद और सास पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाकर ये बताया कि उसने पति ने तीन तलाक फोन पर उसको दिया है, जिसके चलते वो बेहद तनाव में है। आज वो संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टीकर माफी पुलिस चौकी पहुंची और उसने अपने ससुराल पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर तीन तलाक का पूरा मामला बनाया है। पुलिस ने पूरे मामले को सुना और शिकायती पत्र लेकर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या नाम है आपका? रिजवाना बानो। कहाँ है घर आपका? टीकर माफी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। कैसे? फोन पे। तीन बार तलाक। आपने क्या किया? आप थाने गई? हाँ, थाने गई थी। क्या कहा दरोगा ने? दरोगा ने कुछ नहीं कहा, समझा के भेज दिया है बस। भैया, संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक तीन तलाक का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? आज थाना संग्रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत टीकर माफी क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति दिल्ली में नौकरी करते हैं और उन्होंने तीन तलाक दे दिया है, जिसको लेकर महिला बड़ा परेशान थी। उसने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसका मुकदमा थाना संग्रामपुर में पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई चल रही है। अमेठी से नाव 44 के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।